और इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में आपको क्विक स्टार्ट भी मिल जा रहा है। हम लोग बजाज की एक बाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका रिव्यू करेंगे। इस बाइक के मॉडल का नाम है NS160। मैं बाइकला में बजाज शोरूम में हूँ, राज बजाज शोरूम का नाम है। अब हम लोग इस बाइक के बारे में डिटेल जानकारी करते हैं। पहले इस बाइक का हम लोग लुक देखते हैं, चारों साइड से बाइक ओवरऑल अपीयर कैसे होती है। उसके बाद हम लोग इसके सेफ्टी कंफर्ट पर आएंगे, फिर इंजन स्पेसिफिकेशन में आप लोगों को बताऊंगा और इसके इंस्ट्रूमेंटल डिस्प्ले में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे हम लोग बात करेंगे प्राइस, माइलेज, कलर वगैरह के बारे में। तो हम लोग फ्रंट से इस बाइक का पहले अपीयरेंस देखते हैं कि ये बाइक दिखती कैसे है। तो ये है फ्रंट अपीयरेंस इस बाइक का। आपको नेकेड स्पोर्ट डिजाइन में, थीम में ये बाइक आपको मिलती है। ये बाइक एकदम आप देख सकते हैं मस्कुलर दिखती है, मस्कुलर स्ट्रीट फाइट इसका ये पंच लाइन है। तो एक्चुअली आप इसको देखेंगे ये काफ़ी दमदार बाइक दिख रही है। तो ये राइट साइड से इस बाइक का आपको लुक मिलता है, और ये बैक साइड से जैसा इसका थीम है नेकेड स्पोर्ट्स, तो आपको एक कम्प्लीटली ऊपर की तरफ मिल जाता है व्हील का, व्हील और जो आपका बैक बेस है वो काफ़ी गैप हो जाता है दोनों के बीच में। ये लेफ्ट साइड से इस बाइक का आप देख सकते हैं ये अपीयरेंस आ रहा है। इसका जो कलर कंट्रास्ट है स्पोर्टी कलर भी इसमें आपको टच मिलता है। इस बाइक का ओवरऑल लुक देखने के बाद हम लोग बात करते हैं इसके सेफ्टी और कंफर्ट का, देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड किए गए हैं, कितना एडवांस फीचर्स है। तो हम लोग फ्रंट से इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको छोटा सा विंड पैनल मिल जाता है इसके जो फ्रंट कॉल है उसमें, जो इसके हेडलैम्प के कॉल में। यहाँ पर आप इसके हेडलैम्प का शेप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नीचे नैरो होता जा रहा है और यहाँ पर एक ट्रेंगुलर शेप होते हुए ट्रेंगल के बीच में आपको वी शेप में इसका हेडलैम्प मिल जाता है। इसमें हेलोजन लैम्प का इस्तेमाल किया गया है, और जो आपका साइड इंडिकेटर है वो भी काफ़ी स्लिक डिज़ाइन में दिया गया है। थोड़ा सा आपको फ्रंट में पॉइंटेड मिल जाता है, और अंदर ऑरेंज कलर का बल्ब इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर नंबर प्लेट मिल जाता है जो फुल कवर कर देता है, और इससे नीचे जाएँ तो यहाँ पर आपको मैट फिनिश में स्पोर्टी मडगार्ड मिल जाता है। इस मडगार्ड के ऊपर आप ये देख सकते हैं इस स्टिकर का इस्तेमाल किया गया है, चेकर डिजाइन इसमें ब्लैक कलर का है, लेकिन मैट और ग्लॉसी दोनों फिनिश इसमें दिया गया है। इस मडगार्ड को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंड करते हुए इसके डिस्क ब्रेक के सेंटर तक लाया गया है, और इसका जो दोनों साइड से कवरिंग है वो काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। और इस पर आपको ABS का मार्किंग मिल जाता है, यानी इस बाइक में आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, वो तो है ही, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जा रहा है। इसमें आपको फ्रंट और बैक में दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। फ्रंट टायर का जो साइज़ है 90x90 है, जबकि रियर टायर थोड़ा सा वाइड हो जा रहा है, 120x80 हो जाता है, तो थोड़ा सा वाइडर मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आपका रोड पर ग्रिप है, बाइक का जो पकड़ है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है, और गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाता है। अब हम बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम का, तो ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक किसी भी व्हीकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी सरफेस पर हो उसका जो ब्रेक है वो काफ़ी अच्छा और दमदार तरीके से काम करना चाहिए। तो इसमें ब्रेक पर बहुत अच्छा काम किया गया है। आपको इसमें आपको डायपेटल डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, तो जिसके वजह से इसका जो ब्रेक है किसी भी सरफेस पर वो काफ़ी अच्छा और दमदार हो जाता है। अब हम बात करें कम्फर्ट को लेकर, तो आपको इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि रियर सस्पेंशन आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक्स सस्पेंशन मिल जाता है। इसके फ्यूल टैंक को मस्कुलर शेप देने के लिए, एरोडायनेमिक शेप देने के लिए यहाँ आपको एक काफ़ी बड़ा एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि मेटेलिक ग्रे के ऊपर आपको वाइट कलर में यहाँ पर आपको ग्राफिक वर्क दिख जाता है। यहाँ पर दोनों साइड में आपको पेट्रोल टैंक के दोनों साइड में आपको पल्सर का 3D लोगो यहाँ पर दिख जाएगा, और जो इसका लिड है वो काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन में है। यहाँ पर इसका देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिया गया है ताकि जो पानी है, बारिश वगैरह हो रही है, तो इसके अंदर न जाए, पानी के जो पेट्रोल टैंक है उसके अंदर न जाए, अंदर भी एक अलग से एडिशनल कवरिंग दिया है, यहाँ से जो पानी जाए वो भी अंदर प्रोटेक्ट हो जाए। तो इस तरह से इसका भी जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है। अब हम इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ्यूल टैंक से ही लगा हुआ यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा कुशन के साथ में यहाँ पर रबर पैड मिल जाता है। आपका जो एयर सर्कुलेशन है वो आपका अच्छा होता रहे, जो गर्मी लगती है, क्योंकि मेटल की चीज़ें जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो दोनों क्लाइमेट से बचने के लिए यहाँ पर ये रबर पैड दिया गया है, ताकि राइडर को एक सेफ जर्नी मिले, एक कम्फर्टेबल जर्नी मिले। और इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है, 2-लेवल स्प्लिट सीट मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइडर का सीट है यहाँ पर ये आपको ये डिज़ाइन मिल जाता है, इसका एडवांटेज ये है, और आपको इसमें डबल लेयरिंग मिलता है, डबल लेयरिंग प्लस आपको ये डिज़ाइन
ये इसलिए दिया गया है ताकि राइडर को लंबे जर्नी में भी सीट की गर्मी परेशान ना करे, सीट का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। और जबकि आप यहाँ प्लेन राइडर को देख सकते हैं, ये स्पेशली एयर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये डिज़ाइन दिया गया है। और ये डॉटेड फिनिश के साथ में इसका जो बाहर का फिनिशिंग है सीट का वो यहाँ पर मिल जाता है। और ये पूरा स्लीक डिज़ाइन मिल रहा है, एक पतला मिल जा रहा है, ताकि जो कम हाइट का भी कोई आदमी हो तो उसका जो स्पेस वेस्ट जाने वाला है लेग का, थाइस का, वो ना जाए, वो कम्प्लीटली बाइक से लगा रहे, ग्रिप भी बना रहे और उसका जो लेग रीच है वो काफ़ी अच्छा रहे। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूल इंजेक्शन का, क्योंकि अभी BS6 कंप्लायंट के अकॉर्डिंग FI इंजन होना कंपलसरी है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जा रहा है। और इसमें आपको पैरामीटर फ्रेम मिल जाता है। इस फ्रेम का एडवांटेज ये हो जाता है कि हाईवे वगैरह पर भी जा रहे हैं, हाई स्पीड में भी जा रहे हैं, विंड वाले एरिया में जा रहे हैं, तो भी जो बाइक की स्टेबिलिटी है वो कहीं से डिस्टर्ब नहीं होती है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। और इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में आपको क्विक स्टार्ट भी मिल जा रहा है। एडजस्टेबल फुट रेस्ट मिल जाता है राइडर के लिए, और इसी के नीचे आपको ब्रेक पैड मिल जा रहा है। जबकि प्लेन राइडर के लिए यहाँ पर मेटेलिक ग्लॉसी फिनिश के साथ में फुट रेस्ट मिलता है। और इसका जो रियर मडगार्ड है उसको स्प्लिट में दिया गया है, दो पार्ट में करके दिया गया है। बीच से आपको इसका टायर भी दिखता है, तो एक जो स्पोर्टी एडवेंचर है वो आपको इस बाइक में कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप बैक साइड में आप देख सकते हैं इसका जो ग्रैब बार है, दोनों साइड में आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ में आपको ग्रैब बार मिल रहा है। ग्रैब बार को क्लोज नहीं किया गया, ओपन दिया गया है, ताकि इसका जो हेडलैम्प है, इसका हेडलैम्प आपको अलग अलग लेवल पर मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट लेवल पर आपको इसका ये मिल रहा है हेडलैम्प। इससे क्या होता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका जो स्प्रेड है लाइट का वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये इस डिज़ाइन से मैच करे इसलिए इसका जो कैलिबर है ये भी ओपन दिया गया है। इसका जो लुक है ओवरऑल इससे इम्प्रूव भी हो रहा है। और इसी के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रे कलर का आपको स्टिकर वॉक भी मिल जा रहा है। और यहाँ पर सेफ्टी को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी गार्ड भी दिया गया है। और उसके साथ साथ कम्फर्ट को भी देखिए ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, यदि दोनों पैर एक साइड में करके कोई लेडी बैठती है तो यहाँ पर ये एक्सटेंडेड फुट रेस्ट भी दिया गया है, दोनों पैर को आराम से लेकर बैठा जा सकता है। तो यानी जो प्लेन राइडर है, यदि कोई लेडीज है या गर्ल है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दिया गया है, जिसका मतलब ये हो गया कि आप यदि बाइक को सिंगल स्टैंड पर खड़ा किए हैं और जल्दी जल्दी में लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाइक ऑन ही नहीं होनी यदि ये आप ऊपर नहीं करते हैं। तो यानी ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। इसका गियर आपको 1 डाउन और 4 अप मिलता है। तो ये था ओवरऑल इस बाइक के बारे में, इसके सेफ्टी और कंफर्ट को लेकर। अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन का, इसमें किस टाइप का इंजन माउंटेड है। इसमें आपको 160.3 cc का 4 स्ट्रोक 4 वाल्व ट्विन स्पार्क FI इंजन मिल जाता है। SOHC इंजन है इसमें। ऑयल कूलेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस बाइक का कर्व वेट जो है 151 kg का है। और ये 5-speed गियर बॉक्स के साथ में बाइक आती है, जिसका मैक्सिमम पावर 17.2 PS एट 9000 RPM पर मिलता है, और मैक्स टॉर्क 14.6 Nm एट 7250 RPM पर मिलता है। इंजन स्पेसिफिकेशन के बाद बात करते हैं हम इसके इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले का। तो इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिल जाता है। मैंने ऑन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं RPM को शो करने के लिए आपको एनालॉग डिजिटल मीटर मिल जाता है। फ्यूल गेज को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर मिल जा रहा है। स्पीड के लिए यहाँ पर स्टिकर है, एक्चुअली शायद आपको क्लियर दिखे नहीं, मैंने स्टिकर हटाया। यहाँ पर आपको स्पीड के लिए आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल रहा है, ओडोमीटर यहाँ पर है कितना आपकी व्हीकल रन की है, और इसके ऊपर आपको क्लॉक मिल जाता है आपको टाइम देखने के लिए। तो इस तरह से राइट साइड के डिस्प्ले में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और लेफ्ट साइड के डिस्प्ले में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके ब्रेक ऑयल लेवल को दिखा रहा है, बैटरी के पोजिशन को, गियर कौन सा है, न्यूट्रल है, क्या है, उसमें आपको इंडिकेट करेगा। ग्लो करते हुए ब्लू कलर में आपको यहाँ बजाज का लोगो मिल जाता है। ABS इंडिकेटर के लिए पर भी, ABS के लिए भी यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है। इस स्विच का इस्तेमाल करते हुए आप अपने ट्रिप को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको RPM इंडिकेटर भी मिल जाता है, RPM लिमिट के लिए। अब हम बात करें इसके रेसिंग बार का, तो इसमें आपको स्प्लिट में रेसिंग बार मिल जाता है, लेफ्ट और राइट दोनों आपको सेपरेट मिल रहे हैं, दोनों को अलग अलग एडजस्ट किया गया है। लेफ्ट हैंडल बार पर आपको 4 स्विच मिल जा रहे हैं। फ्रंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हुए आप पासिंग लाइट का यूज़ कर सकते हैं। थंब का इस्तेमाल करते हुए आप अपने लो और हाई बीम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट इंडिकेटर मिल जाता है, और इसके बीच में भी आपको डॉटेड फिनिश के साथ में एक स्विच मिलता है, जो कि यदि आपका लेफ्ट हो गया है तो वहाँ से ही आप इसको चाहें तो बंद कर सकते हैं।
और राइट हो गया तो वहाँ से ही चाहे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं इंडिकेटर को। तो यानी इस स्विच को लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है और दोनों साइड में आपको अच्छा ग्रिप मिलता है और जो बीच में जो स्विच दिया गया है वो स्प्रिंग के ऊपर है और उस पर भी काफ़ी अच्छा ग्रिप दिया गया है। अब यहाँ पर एक हैवी बेस के साथ में इसका आपको हॉर्न मिल जाता है, हॉर्न के स्विच पर भी आप देख सकते हैं एक अच्छा आपको ग्रिप मिलता है। और राइट साइड में आपको स्विच मिल रहा है ऑन एंड ऑफ का स्विच, डायरेक्ट ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्टार्ट स्विच मिल जाता है। अब इस बाइक का एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं काफ़ी अंदर दिया गया है और काफ़ी छोटे शेप में दिया गया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका जो साइलेंसर है वो आपका बहुत दूर तक लंबा नहीं दिखता है, जिसके वजह से इस बाइक का जो फील है, जो लुक है, वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट मैं कर रहा हूँ, इसका ये जो एज है एग्जॉस्ट का वो काफ़ी ऊपर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि व्हील का जो इसका व्हील बेस है उसके 50% को कवर कर रहा है, तो यानी जो आप वाटर लॉग्ड एरिया में भी जा रहे हैं 1 फीट तक लगभग पानी है तो भी आप इस बाइक को ड्राइव कर सकते हैं, तो इतना आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। ओवरऑल बाइक के बारे में जानने के बाद हम लोग बात करते हैं इसके प्राइस, कलर और माइलेज वगैरह की, तो यहाँ के जो मैनेजर हैं हमारे अभिलाष भाई वो फर्दर जानकारी देंगे। तो अभिलाष भाई हमें 2 मिनट आपका लगेगा। मैंने बाइक को देखा, ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी दमदार है और स्पोर्ट्स एडिशन बोलते हैं वैसा दिख भी रही है पीछे से लेकर आगे तक। तो इस बाइक का ये बाइक ओवरऑल कितने कलर में आ रही है? आपको 3 कलर मिल जाएगा, आपको ग्लॉसी में ग्रे मिल जाएगा, हाँ, और मैट अपना रेड मिल जाएगा, रेड मैट में है और फुल वाइट में मिल जाएगा। अच्छा, तो जो वाइट है वो मैट में है, ग्लॉसी है? ग्लॉसी, वो भी ग्लॉसी है, तो यानी 3 कलर में अवेलेबल हो रही है। और इसके फ्यूल टैंक का कैपेसिटी कितना है? 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और माइलेज? माइलेज आपको 45-50 मिलेगा, 45-50 के आसपास ज़्यादा मिलेगा आपको, हाँ 45 मिल जाएगा, तो 45 के आसपास इसका आपको माइलेज मिल जाएगा। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो कितना पड़ रहा है? ऑन रोड प्राइस 40,000 डिस्काउंट चल रहा है इस पर? अच्छा, ओके। और इसके साथ साथ आपका हेलमेट, पार्किंग कवर वगैरह? हाँ, अच्छा, 5 साल का इंजन का वारंटी दे देंगे, अच्छा, 18 महीने बैटरी का दे देंगे, 6 महीने पीयूसी करके पूरा इंक्लूड इसमें, मतलब बहुत सारा आपका आ जा रहा है। ओके, तो यदि कोई डायरेक्ट आपको अप्रोच करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, तो आपका कांटेक्ट नंबर? मेरा ये शोरूम भाईकला है, भाईकला इसमें रानीबाग के बगल में, मेरा नंबर आप नोट डाउन कर लो, 9867642866। नहीं, धीरे धीरे बताइए, एक्चुअली 9867642866। तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बाइक के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं और इनके शोरूम में आप विजिट भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू अभिलाष भाई, थैंक यू।